तो गाइस आज मौसम हो चुका है भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा और वीडियो बनाने में आ रहे हैं एक नंबर के मजे। तो पूरा ना ऐसा ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस साइड हो गया तो पूरी जो है हवा की आवाज़ इसके अंदर आने लग जाएगी। तो भाई ये तो सेकेंडरी चीज़ थी, प्राइमरी चीज़ है नई मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। विटारा हट चुका है, अभी सिर्फ हो चुकी है ये ब्रेजा, क्योंकि ग्रैंड विटारा जो है अभी नेक्सा में लॉन्च होने वाली है। जो ये ब्रेजा आप लोग देख रहे हो ये इसका LXi वेरिएंट है। जो गुड़गांव हरियाणा में इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 9,10,000 रुपये, बाकी अलग जगह पे जो है इसका प्राइस वेरी कर सकता है। बेस वेरिएंट को छोड़ के उससे ऊपर सभी वेरिएंट में आप लोग को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन के साथ में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है जो कि है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन LXi वेरिएंट है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और गाड़ी में कैसे क्या कंफर्ट जो है अवेलेबल होता है। अभी भाई इस LXi वेरिएंट में आप लोग को सेंटर लॉकिंग भी मिलने लग गई है और कुछ इस तरह की कि इसके अंदर अवेलेबल होती है। लॉक अनलॉक और गाड़ी को सिर्फ दो ही स्विच मिलते हैं भाई। जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे तो वही ये एक बार आवाज़ करेगी और जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करोगे तो जो है ये गाड़ी दो बार आवाज़ करेगी। अभी फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। जो गाड़ी की हेडलाइट है वो आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, येलो थ्रो के साथ में ही आती है और ब्लैक साइड ट्रीटमेंट इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ मिल जाते हैं और जो गाड़ी की फॉग लाइट है वो इसमें अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ हाउसिंग ही आती है। अगर आप चाहते हो गाड़ी में फॉग लाइट को इंस्टॉल कराना तो वो भी करा सकते हैं। एक बार हेडलाइट और ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरह की लगती है। ये कुछ ऐसी जो है गाड़ी आप लोग को देखने में लगती है। अब इस LXi वेरिएंट में क्या कर दिया है, जो गाड़ी के आप ये टायर देख रहे हो ये इसके अंदर रिम्स आने लग गए हैं। रिम पहले भी आते थे बट वो ना अनपेंटेड आते थे, अब ये ब्लैक फिनिश में आप लोग को जो है रिम्स अवेलेबल हो जाते हैं। LXi वेरिएंट में भी जो है व्हील कवर्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि VXi में भी आते हैं। MRF के टायर मिलते हैं जिनका टायर सेक्शन आता है 215/60/R16 इंच का टायर आता है, यानी कि टायर सेक्शन ना बिल्कुल सेम आता है इसके अंदर, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं की गई है। जैसे इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आएगा ना उसके अंदर भी सेम ही टायर सेक्शन आएगा बट वहाँ पे जो है अलॉय व्हील्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश के साथ में रिम्स मिल जाएंगे, व्हील कवर्स अवेलेबल हो जाएंगे। गाड़ी के जो डायमेंशंस हैं उनके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिर्फ जो गाड़ी की हाइट है उसमें थोड़ा सा जो है इंक्रीमेंट आ गया है। और जो गाड़ी के आप ये ORVMs देख रहे हो ये सिर्फ आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं बट ये फोल्ड एंड अनफोल्ड जो है आप लोगों को मैन्युअली ही करने पड़ते हैं। और LED में इंडिकेटर्स भी जो हैं इनके ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके अंदर ना सेंटर लॉकिंग तो आई गई है बट जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड ही ओपन होता है, पैसेंजर साइड नहीं होता है। बट दोबारा से आप अनलॉक करोगे तो जो है आपकी सारी गाड़ी ओपन हो जाएगी। बट आप ना इसमें ये सेटिंग भी कर सकते हो कि आप एक बार अनलॉक करो तो जो गाड़ी के चारों डोर्स हैं वो ओपन हो जाएं। बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल्स आते हैं, बॉडी कलर्ड ही इसके ORVMs आते हैं। और जो आप ये एंटीना देख रहे हो इसके अंदर शार्क फिन का अवेलेबल होता है। फ्रंट डिस्क आता है, पीछे की तरफ जो है गाड़ी में ड्रम ब्रेक ही अवेलेबल होता है। अभी भाई LXi वेरिएंट में आप बैक प्रोफाइल देखो, क्या ज़बरदस्ती बैक प्रोफाइल मिल जाती है इसके अंदर। जो इसकी टेल लाइट है वो आप लोग को LED में मिलती है, कोई डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है। स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, ब्रेजा की बैजिंग मिल जाती है, चार पार्किंग सेंसर्स जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाते हैं। बट कोई कैमरा नहीं मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोई सिल्वर फिनिश का भी यूज़ जो है आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एक और भाई गाड़ी को अनलॉक करता हूँ यहाँ से और देन जो है इसकी टेलगेट को ओपन करके दिखाता हूँ। 328 लीटर का इसके अंदर आप लोगों को जो है बूट स्पेस अवेलेबल हो जाता है और जो सेकंड रो की सीट है वो बेंच टाइप ही अवेलेबल होती है। कोई बूट लैंप जो है इस LXi वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होता है और जो स्पेयर व्हील है बिल्कुल सेम सेक्शन का ही मिलता है, 215/60/R16 इंच का। अगर आप इसकी सेकेंड रो को सीट को डाउन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐसे उठ के, अब यार अभी ना इस पन्नी की वजह से हो नहीं रही है। बैक प्रोफाइल से आप लोगों को कहीं भी लगेगी कि आप ये एक बेस वेरिएंट जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। साइड प्रोफाइल में भी ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है कि आपका बेस वेरिएंट है और फ्रंट प्रोफाइल से भी कहीं भी नहीं लगेगा कि आप बेस वेरिएंट ड्राइव कर रहे हो। अभी सीधा गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं और उसमें दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। इंटीरियर में आपको बताऊँ तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको चारों पावर विंडो के स्विचेस और ड्राइवर साइड विंडो जो है ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। ORVM के एडजस्टमेंट के कंट्रोल जो है यहाँ पे दे रखे हैं और कोई स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं मिलती, सिर्फ हाउसिंग ही आप लोग को मिलती है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी नहीं मिलती, यहाँ पे सिर्फ फैब्रिक की ही सीट्स इसके अंदर में अवेलेबल होती है। अभी वही कर लेते हैं इसको बंद।
और इस साइड मिल जाता है आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ के लिए, एंड लाइट लेवलिंग का की जो है आपकी यहाँ पे इंसर्ट होगी। आप लोग को पता है कोई इल्यूमिनेशन यहाँ पे ना नहीं मिलती है। जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है वो आप लोगों को फ्लैट बॉटम में मिलता है, बट वो सिर्फ टिल्ट ही आता है, टेलीस्कोपिक वो नहीं आता है। और गाड़ी में हॉर्न देखोगे तो कुछ इस तरह का मिलता है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें इसके अंदर एनालॉग में आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। अगर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और जैसे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से तो ट्रिप वगैरह सेट होगी, और इस साइड से होगा जैसे इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया है नीचे की तरफ में, यही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है ये शो करता है। अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई और गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं भाई, स्टीयरिंग व्हील जो है ना गाड़ी का काफ़ी लाइट सा मिल जाता है, और एकदम सडन सा पिकअप आता है जैसे आप गाड़ी को चलाते हो ना। इधर में गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, और जैसे गाड़ी को सीट पूरी नीचे है ना, तो भी जो इसका हुड है भाई दिखता है, देख के चलाने में एक नंबर का मजा आएगा। इसका हुड अच्छा बड़ा बड़ा सा लगता है पुरानी ब्रेजर से कंपेयर करोगे तो। गाड़ी के अंदर क्या है, आप लोगों को कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, सिर्फ हाउसिंग मिलती है। आप एजेंसी भी इंस्टॉल करा सकते हैं या फिर बाहर से भी करा सकते हैं। मैनुअल गाड़ी के अंदर एसी दिया गया है, यहाँ पे जगह मिल जाती है थोड़ी बहुत, सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, 5 स्पीड ही गियरबॉक्स आता है, 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, और आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता भाई। ये चीज़ बड़ी अजीब सी दे रखी है, आर्मरेस्ट देना चाहिए था। IRBM जो है इसके मैनुअल में मिलते हैं, और जो डैशबोर्ड है आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिलता है। जैसे टॉप वेरिएंट में जो आता है ना उसमें क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा ब्राउन सी शेड मिल जाती है इतने वाले पार्ट में, बट इसमें क्या है पूरी ब्लैक सी ही शेड दे रखी है। जो ग्लोव बॉक्स है कुछ इतने साइज का इसके अंदर अवेलेबल होता है, बड़ा सा ग्लव बॉक्स दे रखा है। पुरानी ब्रेजा में क्या था, यहाँ ऊपर की तरफ में भी ग्लव बॉक्स आ जाता था, बट इसमें कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं दे रखा है। ये देख लो भाई, ऐसा लगता है कुछ इसका डैशबोर्ड देखने में। स्टीयरिंग व्हील भाई काफ़ी लाइट सा जो है अब इस नई ब्रेजा का हो गया है। ऑटो हेडलाइट्स जो गाड़ी में नहीं मिलती है, ना ही ऑटो वाइपर जैसी कोई भी चीज़ इसके अंदर में अवेलेबल होती है। अगर कंफर्ट की बात की जाए तो देखो विजिबिलिटी वगैरह तो भाई काफ़ी अच्छी है, अंडर थाई स्पॉट अच्छी नहीं है, सीटों की चौड़ाई ओके है, लेग रूम वगैरह भी जो है गाड़ी में आप लोगों को अच्छा सा मिल जाता है। तो यूँ है गाड़ी को ड्राइव करने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी इसके सेकेंड रो में बताता हूँ कि कैसे क्या कंफर्ट मिलता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। तो अभी गाड़ी के बैक प्रोफाइल में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। भाई बार बारिश आ गई है, पावर विंडो जो है गाड़ी में मिल जाती है, डोर हैंडल कुछ इस तरह के मिलते हैं, सीधा अंदर ही बैठते हैं भाई, बाहर बारिश लगने लग रही है। और यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को इतना नी रूम और इतना लेग रूम। कंपेयर करोगे इसका सोनेट से तो लेग रूम तो ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट नी रूम दोनों ही गाड़ी में आप लोग को सेम से मिलते हैं। बिल्कुल ना फ्लैट सी सीट मिलती है इसके अंदर, तो भाई यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कम मिलेगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं आते, इनफैक्ट हेडरेस्ट ही नहीं आते हैं इस वेरियंट में। आप लोग को 2 3-point सीट बेल्ट मिल जाती है, 1 2-point सीट बेल्ट मिल जाती है। और जैसे कंफर्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आप देख लो कुछ इतना जो है इसके अंदर हेडरूम मिलता है, हेडरूम तो काफ़ी अच्छा है, बट अंडर थाई स्पॉट और जो रेक्लाइनिंग एंगल है ना वो आप लोग को गाड़ी के अंदर इतना अच्छा नहीं मिलता है। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है भाई इसका डैशबोर्ड देखने में। और सेकेंड रो में आप लोग को पीछे की तरफ भी जो है एयर के वेंट्स मिल जाते हैं, बट नीचे कोई चार्जिंग के लिए सॉकेट या फिर 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। और ऊपर की तरफ में जो इसकी रीडिंग लैंप्स हैं सिर्फ यहाँ बीच में ही अवेलेबल होते हैं, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में दिए गए हैं। आगे की तरफ में कोई भी रीडिंग लैंप्स जो है गाड़ी में नहीं मिलते हैं। और गाइज आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 102 BHP एयर और 136 Nm का टॉर्क। जो ये इंजन है 20 की एवरेज जो है कंपनी इसकी क्लेम करती है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से और किस टेरेन में जो आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। थोड़ी सी तो हैवीनेस है, इंसुलेशन भी इसके ऊपर प्रोवाइड की गई है, कोई कवरिंग इसके ऊपर प्रोवाइड नहीं है। बाकी जो इसके NVH लेवल हैं वो आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाते हैं, मतलब जो नॉइस हुई, वाइब्रेशन हुई वो गाड़ी के अंदर काफ़ी कम आती है। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल है सब्सक्राइब करना। और भाई अगर आप मौसम देखो कितनी आंधी तूफान में जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी मज़ा सा आ रहा है, बट यूँ हो रहा है यार हवा की वजह से ना, एंगल में प्रॉपर से नहीं रख पा रहा हूँ कि कभी किसी एंगल में होना पड़ रहा है हवा की वजह से, कभी किसी में। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ आज की वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।